हे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। और हम दोस्तों अभी है तागुला, और तागुला से थोड़ा सा आगे 3-4 किलोमीटर जगह का नाम है बीना। बहुत प्यारा नाम है। और यहाँ से जो है बागेश्वर की जो डिस्टेंस रह जाती है वो है मुश्किल से 30 या 35 किलोमीटर। यहाँ आने का खास रीज़न ये था, हमारे जो भाई साहब है मुकेश वर्मा जी, उनकी लड़की हुई, बहुत प्यारी सी लड़की हुई है, आज उनका जो है नामकरण है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और यार सच बताऊँ, मौसम इतना प्यारा हो गया, ऊपर से जो है बादल है और हल्की हल्की धूप पड़ रही है, तो नेटवर्क है नहीं, बट यहाँ जो मौसम है वो अल्टीमेट है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो रात को करीबन हम 8 या 9 बजे पहुँचे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो थोड़ा सुबह उठने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और ये रहा, ये सामने घर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमारे वर्मा जी का घर, बहुत प्यारा घर है इनका। तो रात को हमने डांस वांस किया। अब इसके बाद जो है रात की एक क्लिप है बहुत छोटी सी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। और अब जो व्यू आएगा इसके बाद वो कल रात का है, जो हमने डांस वांस किया था, उसके बाद मैं नामकरण की थोड़ी सी कवरेज लेने की कोशिश करूंगा, अगर मिल पाई तो वर्मा जी के साथ भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये ऐसी अच्छी अच्छी जगह जो है मैं जाते रहता हूँ। और हमारे साथ है इंट्रोड्यूसिंग मुदित सिंह कुमटिया, क्राइम पार्टनर कहते हैं इसको मेरा। तो जो भी है मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है मिंटू? यहाँ बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। तागुला, तागुला नहीं है, बीना है। बीना। हाँ, तो मौसम हो रहा है, अल्टीमेट मौसम हो रहा है, घूमने निकले हुए हैं हम लोग। और ये देखिए यार, एक थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा इसका 360 व्यू दूं, तो आपको भी पता लगेगा कि एक्चुअली में प्लेस है कितना शानदार। तो ये देखिए, जन्नत है यार, बाय गॉड। कैमरा वहां आने तो दे, फिर हल्ला करता। चल अब स्टार्ट हो जा। ओए छोटू, हाय बोल दे। हेलो हेलो। तो यार क्या व्हाट्स प्रो, चलो ठीक है जो भी है। तो इसके बाद जो है हम आपको नामकरण का जो है फुटेज लेके दूंगा, और वर्मा जी से भी मिलाऊंगा, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो फिर वीडियो पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है? तो ऐसे हम लोग जंगल में घूम रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लोग कहते हैं कि क्यों घूमता रहता है, क्यों घूमता रहता है। तो क्या मिला हमको, ये देखिए, ये है लाल लाल काफल, टेस्टी यम्मी और बहुत अच्छे। तो यार ये है पेड़ काफल का, ये ऊपर, और हमें यकीन नहीं था कि हमें मिलेगा करके। तो हम लोग वहाँ से ऊपर से अभी ब्लॉगिंग करके नीचे आ ही रहे थे, लाल लाल हमारे मिंटू भाई को दिखाए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ऑसम। इसका टेस्ट जो होता है ना, दुनिया में सबसे अच्छा टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट इसी का ही होता है, फल का। और काफल, तभी ये काफल हुआ, हर जगह मिलता नहीं है ये, सिर्फ पहाड़ी एरिया में। इसके लिए जो है पेड़ जो है काफी ऐसे छुपे जाते रहते हैं, पेड़ दिखाई नहीं देते ज्यादातर, तो हमने आखिरकार ढूंढ ही लिया। तो ये है काफल, देखिए मैं इसका टेस्ट लेके दिखाऊं। क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता, कभी आओ तब पता लगेगा आपको।
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. काफल तो हमने खा दिए यार, लेकिन थोड़ा सा आगे और गए और अच्छी चीज़ मिल गई. सच में ये मेरा फेवरेट है. मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इसमें जो ये ब्लैक कलर के है ना, इसको खाया जाता है. ये ग्रीन वाले कच्चे हैं, तो इसको हमारे पहाड़ में कहते हैं किलमोड़ा. किलमोड़ा कहाँ गया, बहुत टेस्टी होता है. लेकिन इसमें थोड़े से कांटे हैं, इसको निकाल लेते हैं हम. विटामिन सी से भरपूर और सब. इसको लेके चलते हैं सब. और भी काफ़ी चीज़ें देखी मैंने कल शाम को. थोड़ा वहाँ से ऊपर को आ रहा था मैं, तो यहाँ हिसालू थे. हिसालू येलो कलर के होते हैं, बड़े बड़े से, मीठे बहुत होते हैं. हिसालू भी खा लिया, किलमोड़ा भी खा लिया, और क्या नाम था यार, सॉरी, काफल भी खा लिया. औसम हो गया. तो अब चलते हैं थोड़ा सा नामकरण में. वहाँ भी वर्मा जी शायद हमारा वेट कर रहे होंगे, तो फिर वहीं मिलते हैं. तब तक मैं जो है किलमोड़े का आनंद लेता हूँ. ये देखो हम आएगी YouTube चैनल में. आगो आओ भाई, थोड़ा एक मिनट, दोनों का लगा से पंगा हट. तो ठीक है, ये मत करो यार, ये बात है. नहीं नहीं, पूरा भी पकड़ा था ना. अरे काम, ये दस्तूर है यार, ये कुछ नहीं है दस्तूर. अरे बात सुनो, यार इंजॉय किया होगा आपने पूरे ब्लॉग को. और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, और डांस वांस तो आपने सारा इंजॉय कर ही लिया होगा. तो साथ में है हमारे वर्मा जी, ये, और हमारी पूरी टीम जो हमारे साथ पूरी लगन के साथ मेहनत कर रही थी. सो वर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, और बहुत बहुत जो है आपको बधाइयाँ. और ये हमारे दादी, ये यहीं से है सर. मजा आ गया यार आप लोगों से मिलके. और क्या कहते हैं, आई होप कि यार, धन्यवाद धन्यवाद. ये जो है सारे जो भी साथ में आए हुए थे सब यहीं पे है. तो मेरे भाई लोग, सारे भाई लोग यहीं आए थे, मतलब जो भी है. तो अच्छा नहीं लग रहा है यार जाते हुए यहाँ से. मन कर रहा है कि दो तीन दिन शायद यहीं बैठ जाते तो खूब सारा मजा आता. क्यों वर्मा जी, टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता हमें. लेकिन जो भी है यार, बहुत बुरा लग रहा है. लेकिन जो भी है, ये हमारे दादी पंडित जी हमारे. सो बहुत अच्छा लगा यार. तो यार वीडियो एंड करने का टाइम हो गया है. आई होप कि पूरी वीडियो जो है आपने बहुत सारी इंजॉय की होगी. तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक तो बनता है. सो अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.